लखनऊ से खबर है, यूपी ने एक और कीर्तिमान रचा है। आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी ने रिकॉर्ड बना दिया है। यूपी में बनाए गए हैं 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में अव्वल आया है उत्तर प्रदेश। यूपी के 3662 अस्पतालों को दरअसल इससे लिंक किया गया है और आप समझिए कि लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश के करीब करीब 4 करोड़ लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवा लिया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में देश में उत्तर प्रदेश अव्वल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। ये भी आपको हम बता दें कि 3662 अस्पतालों को लिंक कर दिया गया है आयुष्मान कार्ड से। दरअसल इसमें क्या होता है ना कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज लोगों को मिल जाता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने इस कार्ड को बनवा लिया है। अभी तक जो सामने आ रहा है आंकड़ा वो ये है कि 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में अभी तक बनाए जा चुके हैं और इसी के साथ देश में नंबर 1 साबित हुआ है उत्तर प्रदेश आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इसे जागरूकता भी कही जाएगी लोगों के अंदर आयुष्मान कार्ड को लेकर कि वो अब इतने जागरूक हो रहे हैं कि 4 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाने का? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला प्रदेश बन गया। और देखिये, योगी सरकार की जो है एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा जो आयुष्मान कार्ड में सबसे जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार है, तो कहीं जो कोशिश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। और देखिए, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड से प्रदेश के अब तक 3662 अस्पतालों को लिंक किया गया है। 4,15,41,992 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार की रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग और जरूरी जो दिशा निर्देश से उसका असर आपको दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो आयुष्मान कार्ड है, जो प्रधानमंत्री का जिसपे प्रोजेक्ट है, बार बार वो इस बात को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के 1,80,00,000 परिवार के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा हो गए, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है। ठीक है अजीत, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।